प्रमुख पुस्तकालय। भारत के अंदर बहुत सारे पुस्तकालय हैं, जिला स्तर पे हैं, पंचायत स्तर पे हैं, राज्य स्तर पे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कुछ भी पुस्तकालय ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत उनकी स्थापना बहुत ही पुरानी है। आइए हम आज बात करते हैं भारत के प्रमुख पुस्तकालय। भारत के प्रमुख पुस्तकालय में सबसे पहला नाम आता है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जिसे सीपीएल भी कहा जाता है। सीपीएल यानी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ये कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना 1836 में हुई है। कहीं कहीं किताबों में 1835 भी बताया गया है, लेकिन 1835 और 36 के मध्य कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कलकत्ता में हुई है, इसी के कारण इसका नाम कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी रखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ हुई इसका जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह भी इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की लगभग कलकत्ता में ही हुई है और वो हुई है 1891 में, लॉर्ड कर्जन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं, ये लिखा है सीपीएल प्लस इंपीरियल लाइब्रेरी, यानी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारतीय पुस्तकालय कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलाया गया। छोटे छोटे सचिवालय द्वारा मिलकर इन दोनों लाइब्रेरियों को संयुक्त कर दिया गया। तो ये कब किया गया, 1902 में, और 30 जनवरी 1903 में, यानी कि 30 जनवरी 1903 में इसी इंपीरियल लाइब्रेरी को सार्वजनिक कर दिया गया। सार्वजनिक करने का मतलब यह है कि भारतीयों के लिए इसमें प्रवेश शुरू कर दिया, निःशुल्क कर दिया, इसमें भारतीय कोई भी व्यक्ति आकर पढ़ सकता है। इसके बाद हम बात करें सरस्वती महल लाइब्रेरी। सरस्वती इसका नाम है, यह पहले महल में चलती थी इसलिए इसका नाम हो गया सरस्वती महल लाइब्रेरी। यह है तंजोर नामक स्थान पर है और इसकी स्थापना सन 1918 में की गई थी। महल में चलती थी इस कारण इसका नाम सरस्वती महल लाइब्रेरी है। 1918 में इसकी स्थापना की गई है और तंजोर नाम के स्थान पर यह चल रही है। अब हम इसके बाद बात करते हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी। यह एक मुस्लिम शासक द्वारा स्थापित की गई थी, इसलिए यहां पर रजा शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा यह रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर नामक स्थान पे है जिसकी स्थापना सन 1774 में की गई। अब हम बात करते हैं हरिकृष्णा महताब लाइब्रेरी जिसकी स्थापना सन 1987 में की गई, और इस हरिकृष्णा महताब लाइब्रेरी की स्थापना भुवनेश्वर में की गई। भुवनेश्वर जो उड़ीसा का शहर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हरिकृष्णा महताब नाम की लाइब्रेरी की स्थापना सन 1987 में की गई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम यह आता है जो इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां पर है, वो है कलकत्ता में, और इसकी स्थापना कब की गई, सन 1948 में, यानी हमारे आजादी के ठीक एक वर्ष बाद 1948 को भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना जो की गई, ये वही पुस्तकालय जिसकी स्थापना 1836 में कलकत्ता में की गई, जिसका उस समय का नाम था, तत्कालीन नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इसके अंदर में सचिवालय द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी को मिलाया गया और भारत की स्वतंत्रता के बाद ठीक एक वर्ष बाद इसे भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। कब घोषित कर दिया गया था, 1948 में। यह है कौन सी लाइब्रेरी, ये पुरानी ही लाइब्रेरी 1836 वाली कलकत्ता वाली। अब हम बात करते हैं नेशनल ब्लाइंड एंड हैंडीकैप लाइब्रेरी, यानी भारत सरकार द्वारा अंधे विद्यार्थियों के लिए, दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए एक विशेष पुस्तकालय की स्थापना की गई जो देहरादून में स्थित है, यानी उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1979 में की गई। 1979 को देहरादून के अंदर नेशनल ब्लाइंड एंड हैंडीकैप
लाइब्रेरी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल साइंस लाइब्रेरी। नेशनल साइंस लाइब्रेरी है ये पुस्तकालय के प्रकार विशिष्ट लाइब्रेरी के अंदर आती है, जिसके अंदर केवल विज्ञान के विद्यार्थी शोधार्थी इसके अंदर अपने विशिष्ट इनको मटेरियल मिल पाता है। इसकी स्थापना दिल्ली में की गई और दिल्ली में इसकी स्थापना निस केयर के द्वारा की गई और इसकी स्थापना की गई थी 1964 के अंदर दिल्ली के अंदर नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जो आयुर्विज्ञान से संबंधित थी, इसकी स्थापना एम्स नई दिल्ली द्वारा सन 1966 में की गई। नई दिल्ली में 1966 में एम्स द्वारा नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना नई दिल्ली में 1966 में की गई। अब हम बात करते हैं हमारी जो अंतिम लाइब्रेरी बची है खुदाबख्श लाइब्रेरी, जो पटना शहर में है, बिहार की राजधानी पटना के अंदर सन 1891 में खुदाबख्श द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो ये लाइब्रेरी है ये पटना शहर ये गंगा नदी के किनारे पर है। ये इसकी स्थापना 1891 में हुई और इस लाइब्रेरी की मुख्य विशेषता यह है कि भारत के अंदर सर्वाधिक पांडुलिपियां भोजपत्र इसी लाइब्रेरी में आपको देखने को मिलेंगे। इस लाइब्रेरी के अंदर एक रीडिंग रूम बनाया गया है जिसे लॉर्ड कर्जन रीडिंग रूम कहा जाता है। तो खुदाबख्श लाइब्रेरी द्वारा खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना बिहार में स्थित है, इसकी स्थापना 1891 में की गई थी। ये भारत के प्रमुख पुस्तकालय है जो क्रमशः है 1836 से लगा के 1891 खुदाबख्श तक। इसके बीच में जो महत्वपूर्ण बात है वो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसकी स्थापना 1948 के अंदर कलकत्ता में की गई थी।